नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, जहां मौसम ने ऐसी करवट ली है कि हर तरफ तबाही का मंजर है। एक हफ्ते पहले पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में यह हाल था कि गर्मी और लू से लोग परेशान थे, और इस हफ्ते भारी बारिश और तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों के घर परिवार तक उजड़ गए। संजय चौधरी और रत्नदीप चौधरी की यह खास रिपोर्ट। पिछले हफ्ते पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में असामान्य तापमान महसूस किया। गर्मियों की शुरुआत में ही कई जगहों पर सीजन का उच्चतम तापमान पहुंच गया। रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर पड़ा। हफ्ते भर पहले इस इलाके में तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री ज्यादा था, लेकिन इस हफ्ते अलग ही नजारा है। बारिश और तूफान की वजह से सैकड़ों घरों को भी नुकसान पहुंचा है। तबाही की तस्वीरें सबके सामने हैं। अपर असम का तिनसुखिया इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां पेड़ गिरने की वजह से सड़कें ब्लॉक हैं, स्कूल बंद है, बिजली सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। 24 साल के विकास प्रसाद, उनका 4 सदस्यों का परिवार तिनसुखिया के बंगला इलाके में एक झुग्गी में रह रहा था। एक पेड़ गिरने की वजह से दिहाड़ी मजदूर विकास का सब कुछ लुट गया, लेकिन किसी तरह उसका परिवार सुरक्षित है। घर है, सारा टूट गया है, सारा गाछ से चपटा हो गया है, और हम लोग का बस रहने उने का कुछ भी ये साधन नहीं है, खाने पीने का कुछ भी नहीं है। ऊपर आसाम, अपरी आसाम में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, इसलिए हम लोग का काम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और रोजी रोटी के लिए बहुत ज़्यादा ये दिक्कत है। ऑल द लाइफलाइन रोड्स ऑफ तिनसुखिया टाउन वाज स्नैप्ड। तूफान जबरदस्त था, पेड़ गिरने की वजह से तिनसुखिया की सभी सड़कें ब्लॉक हो गई। हमारी प्राथमिकता बिजली सप्लाई को बहाल करने की है। हम देख रहे हैं कि इस इलाके में आए दिन तूफान आने लगे हैं, जिनकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। पिछले हफ्ते ही उत्तर पूर्व के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा था, और गर्मी के कारण लोग घरों से निकल नहीं पा रहे थे, स्कूल भी बंद कर दिया गया था कुछ राज्य में, और अब उत्तर पूर्व के बहुत हिस्सों में आंधी तूफान के चपेट में आ गए हैं लोग। त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मिजोरम में आंधी तूफान हुए हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित है असम का तिनसुकिया ज़िला, जहां में जान माल का नुकसान भी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की कमी की वजह से आंधी तूफान आते हैं, लेकिन अब हमारे रिसर्च बता रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से नमी खत्म हो रही है। उत्तर में हिमालय और पूर्व में पहाड़ हैं, जिससे इन इलाकों में तेज तूफान आ रहे हैं। IIT की एक स्टडी के मुताबिक तिनसुखिया देश के उन 25 जिलों में से एक है, जिनकी आबो हवा बदलने की वजह से सबसे ज्यादा खतरे में माना जा रहा है। तिनसुखिया से संजय चक्रवर्ती और रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट।